नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर सतना से है, जहां रेवांचल एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला द्वारा सतना विधायक और कोतमा विधायक पर अभद्रता का आरोप लगाया गया है, जिसके विरोध में आज सतना भाजपा के पदाधिकारी एवं युवा मोर्चा द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सतना के पन्नीलाल चौक में विधायक का पुतला दहन कर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यही नहीं, दोनों विधायकों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। गौरतलब है कि बीती रात रेवांचल एक्सप्रेस के एवन कोच में महिला यात्री सफर कर रही थी। उसी कोच में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा एवं कोतमा विधायक सुनील सराफ भोपाल जा रहे थे। महिला यात्री ने दोनों कांग्रेसी विधायकों पर सफर के दौरान अभद्रता का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत भोपाल पुलिस एवं रेलवे पुलिस को महिला द्वारा की गई है। लिहाजा आज दोनों कांग्रेसी विधायकों पर महिला से अभद्रता का गंभीर आरोप लगाते हुए युवा मोर्चा भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया एवं दोनों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। जैसा कि पूरे प्रदेश में घटना विदित है, देश में भी घटना विदित है कि कल रात ट्रेन पे एक महिला नवजात शिशु को लेकर सफर कर रही थी। उसी कोच पे समीप कांग्रेस के विधायक सतना के डब्बू कुशवाहा एवं कोतमा के विधायक नशे में धुत होकर उन्होंने महिला के साथ अभद्रता की, छेड़छाड़ की, जिसके विरोध में उन्होंने अपने पति को फोन करके पूरा मैटर संज्ञान में लिया। उन्होंने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मदद की गुहार लगाई, जिसमें त्वरित रूप से कार्रवाई हुई। जैसा कि आज देखने को मिला कि उनके ऊपर धारा भी लगा दी गई है। इस घटना से पूरे सतना जिले में एक वातावरण महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं गया। पूरे प्रदेश में सतना की छवि धूमिल हुई है। ऐसे शर्मसार घटना कर सतना के विधायक ने सतना जिले को बदनाम करने का, इस अशोभनीय कृत्य को जो किया है, इसके लिए हम सभी यहाँ युवा मोर्चा के साथ ही इकट्ठा हुए हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम इस पूरे घटनाक्रम की, इस कार्यक्रम, इस पूरे घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि जनता के उम्मीदों में खरे उतरने के लिए बनाए जाते हैं, और ऐसे ही जनप्रतिनिधि इस तरह की महिला के साथ ऐसा छेड़छाड़ का, दुष्कृत करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसे बड़े मामलों में कमलनाथ जी और राहुल गांधी को संज्ञान में लेते हुए तत्काल बर्खास्त कांग्रेस पार्टी से करना चाहिए। हम ऐसी प्रशासन से भी ऐसी हमारी मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इस पूरी घटनाक्रम पे। महिला, जैसे कि अभी नवरात्र का पावन पर्व चल रहा था, हमारी हिंदू संस्कृति में भी महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, और ऐसे पावन अवसर के समापन बेला में विधायक ने ऐसा कृत्य करके महिलाओं के प्रति अपनी मनसा जाहिर की है कि उनकी सोच क्या है, महिलाओं के प्रति वो कैसी मनसा रखते हैं और वो क्या इस जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, सतना विधानसभा का वो क्या प्रतिनिधित्व करेंगे, वो क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे महिलाओं को, युवाओं को, इस पूरी शहर की जनता को। उन्होंने ये बहुत अच्छे से मैसेज दे दिया है।